जय हिंद। आप देख रहे हैं बहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रामगढ़ सेक्टर के गांव है, जहां बिजली विभाग के खिलाफ यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये रोड जाम कर रखा है। उनका कहना है कि बिजली की अघोषित कटौती के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है। उनके बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो पढ़ नहीं सकते, लाइट नहीं होती है पूरा दिन, और पूरा दिन लाइट ना होने के कारण पानी की समस्या भी रहती है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी पूरी। मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे गाँव वासी इतने परेशान हैं, बहुत बुरी हालत है। छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग, आप देखिए रोज बिजली डिपार्टमेंट का यही इशू यहाँ पे बना हुआ है। ना यहाँ पे जेई है अवेलेबल, ना यहाँ पे कोई ऑफिसर आता है देखने नहीं आता। एक बेचारा लाइन मैन है, उसके सहारे सभी लोग हैं। गांव के लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ पे नहीं है। जेई का ना तो फ़ोन मिलता है, ना ही वो यहाँ पे अवेलेबल है, ना कभी वो साइड अपनी देखने आया। यहाँ पे लोगों की हालत देखिए बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ पे जो एक ट्रांसफार्मर वो भेजते हैं वो पता नहीं ठीक होता है खराब होता है, एक दिन आता है दूसरे दिन खराब, एक दिन आया दूसरे दिन खराब। कितने दिन लोग यहाँ पे वेट करेंगे, चार ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। आप ही बताइए, अगर एक ट्रांसफार्मर चेंज हुआ है कम से कम उसे 10-15 दिन तो निकालनी चाहिए। यहाँ पे हालत इतनी बुरी हालत हो चुकी है लोगों की, आप सामने देख रहे हो कि लोग कितने परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे आ गए। इस सिलसिले में आपने किसी बड़ी अधिकारी से बात की? सर ये पहली बात तो ये है कि ये फोन ही नहीं किसी को उठा, और जब इनके दफ्तर में आप जाओगे वहाँ पे ये मिलेंगे नहीं बोलेंगे, ये साइट पे हैं। जब आप साइट पे आप इनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप फोन ही ट्राई करोगे ना, इनसे मिलोगे, छोटे अधिकारी से क्या बात करिए। तो कितनी देर से ये समस्या आ रही है? ये समस्या हमें ये देखिए, ये यहाँ पे ये ट्रांसमिशन आ रही है 11 KV, यहाँ पे ट्रांसमिशन थी। बच्चों को छुट्टियाँ पड़ गई इस वजह से कि गर्मी बहुत है, तो गवर्नमेंट ने जल्दी छुट्टियाँ डाल दी। यहाँ पे 1.5 से 2 महीने से लोग परेशान हैं। सुबह वो आते हैं लाइन ठीक करने के नाम पे, वो सुबह 8 बजे कट लगाते हैं, शाम को 7 बजे लाइट छोड़ते हैं। 2 महीने तो वो परेशानी में गुजरे, उसके बाद अभी उनका काम कंप्लीट हुआ है। तो ये देखिए, ये सिनेरियो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी यही मांग है कि इसको सुचारू रूप से चलाया जाए और लोगों को बिजली मुहैया कराई, बस यही। सारे सरपंच साहब ने 2-3 बार अपील की है, ये मतलब सानू बड़ा ट्रांसफार्म दियो, तो उन सानू हर बार यही बेवकूफ बना दे, ये मतलब अज दिन कल दिन अज दिन कल दिन, आ 5-6 दिन ही अस बिजली आले थले दुआरे हे, मगर अस उन्हें फिर बिजली आने सरपंच साहब ने आखिया, उन्हें आखिया अस अभी कल थोड़ा ट्रांसफार्म लगी जाग, कल परसों बगैर साढ़ा जेड़ा है ही उबी गया सवेरे शामी 4 बजे लाते ना 10 बजे उसे खत्म हो गया, ना कोई सुनाई नहीं था। और लास्ट आनी राती इन्ना गर्मी इन्ना मच्छर है अंदर, आज लास्ट आनी अस मतलब सड़क पर आने मजबूर कर ले पेदन। राड़ी आले ग्राम दी तरफा दा मीडिया आले दा शुक्र अदा करनी आ, जेड़ा ओ साडे हालात जी गवर्नमेंट तक बिजली डिपार्टमेंट तक पहुंचाने लई इथे धुप्पा च साडा साथ दिया करदे ने। साड़ी हालत इन्नी माड़ी हो चुकी है कि 15 दिन होया ना दिन बत्ती है ना राती बत्ती है, एक ग्रां ताई एक छोटा जिहा ट्रांसफार्मर लाया दा, ओ ट्रांसफार्म एक 10 मिनट बत्ती दिंदा है उहदे बाद ओ फी सड़ी जांदा है। बार बार साढ़े सरपंच साहब होर हैं साढ़े बार बार अपील की उंदे अग्गें कि ट्रांसफार्म जिहड़ा है राड़ियां गी बड्डा दिता जा बड्डा दिता जा, महीना होया आश्वासन दिंदे अज नहीं कल आवा दा अज नहीं कल आवा दा, इस करी अस मंजूर होई गया बस यार मंजूर होई गया तंग आई अस सड़के माज आए हां और सारी मांग पूरी की जा हां। रोज राती शामी ट्रांसफार्म लगदा है राती के सड़ी जांदा है कितनी प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चे इतना मच्छर है, बुजुर्ग हैं बीमार घरों में, इतनी गर्मी कितना टेम्परेचर है इस समय, पूरे 15 दिन से हम सफर कर रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट की कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। कितना बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सरपंच साहब भी उनसे कि हमें कितनी बार इन्होंने बोला लेकिन वो ऐसा मानते ही नहीं है। हम आप क्या क्या डिमांड करोगे? हम करते हमारे पास नहीं, हमारे पास दोनों ट्रांसफार्मर बड़े चाहिए, जो बिजली और ज्यादा है वो पूरी होनी चाहिए।